एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान आज दिल्ली में अपने चाचा पशुपति पारस से मिलने दिल्ली उनके घर पर गए। हैरानी की बात तो तब हुई जब 20 मिनट तक चिराग गाड़ी में बैठे रहे और किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला। ऐसे में चिराग पासवान घर के बाहर ही खड़े रहे। 20 मिनट के बाद गेट खुला तो उनकी गाड़ी अंदर घुसी, जबकि चिराग पासवान के हाथ में कैनुएला लगा था। बावजूद उसके उन्हें घर के बाहर ही इंतजार कराया गया। बताया जा रहा है कि जिस वक्त चिराग पासवान अपने चाचा पशुपति पारस से मिलने के लिए उनके घर पहुंचे तो पशुपति घर पर नहीं थे। ऐसे लोक जनशक्ति पार्टी में चल रहा राजनीतिक विवाद अब सबके सामने खुलकर आ गया है। एलजेपी के 6 लोकसभा सदस्यों में से 5 ने एक गुट बना लिया है जो चिराग पासवान के खिलाफ है। इस सभी ने दल के मुखिया के रूप में चिराग की जगह उनके चाचा पशुपति कुमार पारस को चुना है। फिलहाल चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आगे क्या होता है इसके बारे में पार्टी से बाद में जानकारी मिलेगी। वहीं आज पशुपति पारस ने सोमवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सराहना करते हुए उन्हें एक अच्छा नेता और विकास पुरुष बताया और इसके साथ ही पार्टी में अंदर चल रही बड़ी लड़ाई सबके सामने आ गई क्योंकि जेडीयू अध्यक्ष शुरू से ही चिराग पासवान के आलोचक रहे हैं।